आज हम सुनेंगे श्रावण मास का 29वां अध्याय, सभी कर्मों का काल निर्णय। ईश्वर बोले कि हे संत कुमार, अब कहे हुए व्रत कर्मों को कहूँगा कि किस समय क्या करें, किस समय का क्या विधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें, ये सब ध्यान पूर्वक सुनो। नक्त व्रत के विधान में रात में भोजन कहा है, प्रातः काल में सभी व्रतों का उद्यापन कहा है, पहले दिन आदिवासन और दूसरे दिन होम कहा है, धारणा और पारणा से हास्य वृद्धि नहीं होती, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को संकल्प कर उपवास करें और दूसरे दिन हविष्यायन कर पारायण करें, यदि पारायण के दिन एकादशी हो तो 3 दिन उपवास करें। रविवार व्रत पूजन का काल सुबह ही है, सोमवार व्रत में सायंकाल को प्रधान कहा है, मंगल बुध तथा गुरु में मुख्य समय प्रातः काल कहा है, शुक्र व्रत में पूजा सुबह तथा रात में जागरण करें, नृसिंह पूजा शनि की शाम को करें, शनि व्रत में दान मध्यान्ह में मुख्य कहा है, हनुमान की पूजा मध्यान्ह तथा पूजा सुबह होती है, रोटक व्रत प्रतिपदा युक्त सोमवार को करें, उदुम्बरी व्रत में पूजन द्वितीय और तृतीय युक्त सायं को कहा गया है, स्वर्ण गौरी में पूजन चतुर्थी युक्ता तृतीय को उत्तम है, गणेश पूजन में तृतीय वृद्ध चतुर्थी श्रेष्ठ है, नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है, सुपोदन व्रत में सायं व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है, शीतला व्रत में मध्यान्ह है व्यापिनी सप्तमी है, देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्ता अष्टमी तिथि है, कुमारी व्रत में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है, आषा दशमी व्रत में रात्रि व्यापिनी दशमी है, हे मुने दशमी वेद एकादशी त्याज्य है, अरुणोदय समय दशमी का वेद वैष्णव के यहाँ होता है, रात्रि में अंतिम प्रहर का आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है, सूर्योदय समय दशमी का वेद समातोर के यहाँ होता है, इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही है, अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है, शिव पवित्रारोपण में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी है, यदि चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो तो अधिक उत्तम है, उपाक्रम तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र उत्तम है, यदि पूर्णिमा के दिन 3 मुहूर्त हो तो दूसरे दिन करें, तैतिरीय शाखा वाले ऋग्वेदी पूर्णिमा के पहले दिन करें और यजुर्वेद पूर्णिमा को 3 मुहूर्त होने पर भी उसी दिन उपाक्रम तथा उत्सर्ग करें, श्रावणी क्रम तथा सर्प बलि में सायंकाल व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है, हयग्रीवोत्सव तथा रक्षाबंधन के मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा लें, संकट चतुर्थी में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी स्वीकृत है, यदि चंद्रोदय व्याप्त चतुर्थी 2 दिन हो तो पहले दिन को व्रत करें, क्योंकि तृतीय रोज चतुर्थी महत्व पुण्य फलप्रद होती है, गणेश गौरी तथा बहुला को छोड़ दूसरे देवों की पूजा में पंचमी भेदी चतुर्थी श्रेष्ठ मानी गई है, श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि श्रेष्ठ है, तिथि निर्णय 6 प्रकार से माना गया है, पहला तो दोनों दिन तिथि की पूर्ण व्याप्ति, दूसरा दोनों दिन केवल अव्याप्ति, तीसरे दोनों रोज अंश द्वारा समव्याप्ति, चौथा दोनों रोज अंश द्वारा विषम व्याप्ति, पांचवा पहले दिन पूर्ण व्याप्ति, दूसरे दिन अंश द्वारा व्याप्ति तथा छठा पूर्व रोज अंश से व्याप्ति, अन्य रोज अव्याप्ति, इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं, उसे कहता हूँ आप उसे सुने, अंश द्वारा विषम व्याप्ति से अधिक अव्याप्ति श्रेष्ठ होती है, एक रोज जो पूर्णा तिथि है वही अन्य रोज अपूर्णा कही जाती है, एक रोज अव्याप्ति और दूसरे दिन अंश व्याप्ति हो तो अंश व्याप्ति श्रेष्ठ होती है, अंश व्याप्ति जब पूर्ण तथा सम हो तो संशय हो जाता है, अंतः वहाँ युग्म वाक्य या वार नक्षत्र योग बल या 2 प्रधान योग या पारणा योग में के भेद से निर्णय करें, जन्माष्टमी व्रत में
संदेह होने पर अष्टमी के अंत में पारण करें। यदि 3 प्रहर तक या इसके बाद तक अष्टमी रहती हो तो सुबह से पारण करें। पिठोरा व्रत के मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ है तथा वृषभार्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले के समय को तथा सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले के समय को पुण्य समय माना गया है। हे वत्स, मैंने यह मास के सभी कर्मों का काल निर्णय कहा। जो प्राणी इस अध्याय को पढ़ेगा या सुनेगा तो वह सभी व्रतों का फल प्राप्त करेगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।